हेलो, माय नेम इज़ दीपिका शर्मा। आई एम स्टूडेंट ऑफ बीपीएड। मैं आज आपको योगासन के बारे में बताऊंगी। पहले आज आपको सूर्य नमस्कार और नवासन करके बताऊंगी। अब मैं आपको पद्मासन करके बताऊंगी। पद्मासन करने की विधि ये है कि पहले हमें अपनी लेग्स को स्ट्रेट करना है। हमारा जो लेफ्ट टो है वो हमारे राइट थाई पे आएगा और जो हमारा राइट टो है वो हमारे लेफ्ट थाई पे आएगा और बैक पीछे से स्पेन हमारी स्ट्रेट होनी चाहिए और आर्म्स की पोजीशन और हाथों की पोजीशन मुद्रा में होनी चाहिए। पहले हम ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे और मेडिटेशन में पोजीशन में बैठेंगे। अपनी सांस को इनहेल और एक्सहेल करना है। एकदम रिलैक्स पोजीशन में बैठेंगे। अब हम वायु मुद्रा करेंगे। धीरे धीरे इस आसन से बाहर आएंगे। अपने हाथों को ऐसे करके अपनी आंखों पे लगाएंगे और धीरे धीरे आईज ओपन करेंगे। पद्मासन के बेनिफिट्स, ये हमें 15 मिनट से ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये हमें मेडिटेशन के लिए ये आसन अच्छा होता है और हमारी माइंड पावर स्ट्रॉन्ग करता है और ये हमारे मन को शांत करता है। अब मैं आपको नवासन करके बताऊंगी। अब हम नवासन करेंगे। नवासन करने की विधि ये है कि पहले हमें योगा मैट पे अपनी लेग्स को पूरा स्ट्रेट रखना है, फिर धीरे धीरे लेग्स को ऊपर लेके जाना और पाज को हमें स्ट्रेट। ये हमें हमारी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखता है और हमारी बेली फैट को कम करता है और जिनको स्पाइन और लेग्स में स्ट्रेच मसल की प्रॉब्लम हो उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। अब हम शवासन करेंगे। विधि ये है कि हमें योगा मैट पे लेट जाना है। पहले एकदम रिलैक्स पोजीशन में लेट जाना है। शवासन में हमारी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स होती है और धीरे धीरे हम इस आसन से बाहर आएंगे। पहले हमें इधर को टर्न करना है, फिर धीरे धीरे इस आसन के बेनिफिट्स ये हैं कि ये हमारे मन की शांति के लिए होता है और इस आसन को कोई भी कर सकता है क्योंकि ये सबसे इजी आसन होता है। त्रियंगासना करके बताऊंगी, जिसको कोबरा पोज भी बोलते हैं। इसके करने की विधि, पहले हमें स्ट्रेट लेटना,
अपने हाथों को स्ट्रेट रखना है इधर और अपनी चेस्ट को ऊपर को उठाना है। बेनिफिट्स ऑफ भुजंगासना मे इम्प्रूव स्लीप एंड मे इम्प्रूव लोअर बैक प्रॉब्लम एंड मे इम्प्रूव पोस्चर बॉडी पोस्चर। बेनिफिट्स ऑफ सूर्य नमस्कार ये हमारी पोस्चर को इम्प्रूव करता है और इसमें 12 आसन हम एक साथ करते हैं। ये हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और ज्वाइंट्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है और इसके इससे हमारी माइंड पावर स्ट्रॉन्ग होती है और हमारे माइंड को शांति मिलती है। डिसएडवांटेज सूर्य नमस्कार जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको ये आसन नहीं करना चाहिए और जिनकी बैक में प्रॉब्लम होती है या फिर कोई भी मसल प्रॉब्लम कोई भी हो उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। थैंक यू मैम एंड ऑल स्टूडेंट्स।